विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल है तो कल है परियोजना समेत 23 परियोजनाओं का शिलान्यास 22 नवंबर को करेंगे। मिर्जापुर में 9 तो सोनभद्र में 14 योजनाएं शुरू होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री जिले में आ रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विंध्य क्षेत्र को एक बड़ा उपहार मिलने जा रहा है 22 तारीख को। माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोनभद्र और मिर्जापुर के पाइप पेयजल परियोजना हर घर जल योजना को उस दिन मूर्त रूप देंगे और उसका शिलान्यास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया जाएगा और हमको लगता है कि आज़ाद भारत की सबसे बड़ी परियोजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गजेंद्र जी सबके द्वारा और महामहिम राज्यपाल की उपस्थिति में यह सब कार्यक्रम संपादित होगा। मिर्जापुर में हमारी 9 स्कीमें हैं और सोनभद्र में हमारी 14 स्कीमें हैं। इस तरीके से कुल 30 स्थानों पर 23 स्कीमें बनाई गई हैं और जिससे हम मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों जिलों को आच्छादित करेंगे। बड़ी परियोजना है और इसलिए इसकी डिटेलिंग जो है उस दिन जो लोग शिलान्यास करेंगे उनके द्वारा किया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। 100% शक्ति होगी और 100% समय निर्धारण भी होगा और समय से पहले परियोजना को पूर्ण करेंगे, क्योंकि इस परियोजना बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है और जो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने अब तक जितनी चीज़ों की घोषणा किया वो सब समय से पूरे हो रहे हैं और ये भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समय से पूरा करेंगे। उनका मार्गदर्शन है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर समीक्षा भी करते रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये महत्वाकांक्षी परियोजना है और हम लोग को लगता है कि पूरे भारत के हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, इसलिए जल जीवन मिशन के तहत इस परियोजना को लिया गया है। हम जल का संचयन करेंगे, जल का संवर्धन करेंगे और शुद्ध पेयजल लोगों के घर तक। देखिए, बुंदेलखंड में यह परियोजना शुरू हो चुकी है, अब मिर्जापुर और सोनभद्र में होने जा रही। चरणबद्ध तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप शुरू कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से करेंगे। प्राथमिकता के आधार पर जहां बहुत बड़ी समस्या थी उन क्षेत्रों को हम लोगों ने पहले लिया है, धीरे धीरे करके पूरे उत्तर प्रदेश में करेंगे। देखिए, अभी तक तो जो तैयारी है हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि 2 साल के अंदर इसको पूरा करें, लेकिन हो सकता है कि उसके पहले भी हम लोग पूरा करें, जल्दी से जल्दी पूरा करें। सोनभद्र जिला जो है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आकांक्षी जिला है, इसलिए ये हुआ कि वहाँ पे कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि भारत में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट छाटे गए हैं उसमें मिर्जापुर और सोनभद्र में सोनभद्र जिला था और कोई विषय नहीं था। ये तो माँ का दरबार है, हम सब लोग चाहते हैं कि माँ के दरबार में रहें, तो विषय केवल इतना था मात्र। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ भी आ रहे हैं, माँ का दर्शन भी करेंगे, यहाँ बैठक भी करेंगे और गोपाष्टमी है उस दिन, यहाँ गोपूजन भी करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों जिले में आ रहे हैं और हमारी दोनों जिले की परियोजना हो रही, कार्यक्रम यहाँ हो यहाँ वहाँ हो इससे मतलब नहीं है। परियोजना एक साथ दोनों जिले में एक साथ शिलान्यास हो रहा है, हमारे सभी सांसद, सभी विधायक, आदरणीय यहाँ के मंत्री, सब लोग उसमें जुड़ रहे हैं, सभी जनप्रतिनिधि उसमें सहभागी होंगे और मिर्जापुर और सोनभद्र की आदरणीय जनता जनार्दन भी उसमें सहभागी होगी और सभी आदरणीय पत्रकार मित्रों को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग भी सहभागी होइए, क्योंकि ये बहुत महत्वाकांक्षी और बड़ी परियोजना है। इसलिए हमको लगता है कि माँ विंध्यवासिनी की कृपा से ही ये सब कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जब कोई विकास कार्य किया जाता है तो उसके लिए नहीं किया जाता, विकास कार्य तो हम जनता को समर्पित हैं। मोदी जी का और योगी जी का एजेंडा है विकास विकास विकास, उस गति से, तेज गति से बढ़ता हुआ मेरा उत्तर प्रदेश भारत में नंबर एक के स्थान पर पहुंचे और लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हों, इसके लिए सरकार, योगी सरकार पूरी तरीके से संकल्पित है और हम सब लोग उसके लिए लगे हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश को विशेष आशीर्वाद मिलता है और इसलिए हम सब लोग मिल करके इस काम को पूरा करेंगे।